जन जन की आवाज जीवन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और हम मौजूद है कांग्रेस भवन में, जहां पे एक प्रेस वार्ता रहा गया जो कि कांग्रेस के पीआरओ के द्वारा किया गया। आपको बताते चले कि डिजिटल जो कांग्रेस से जुड़ने का एक अभियान चलाया गया है, जिसमें लोग जो है वो डिजिटली कांग्रेस से जुड़ेंगे और बहुत अच्छा एक अभियान है जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला वाइज होगा, जिसकी सारी जानकारी पीआरओ ने दी। आइए सुनते उन्होंने क्या कुछ कहा। अचानक क्योंकि दो दिन पहले ये तय हुआ कि हम लोग अपना चुनावी जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, तो उसकी डेट जैसे ही फिक्स हुई तो हमने तय किया कि आज आपके सामने जो अभी तक की जो बातें जो हमारा जो कार्रवाई हुई है जिले में पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव से संबंधित उसकी भी ब्रीफिंग आपको दें और साथ में आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो हमारे बीच में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष यहाँ पर हैं, राजेश ठाकुर जी, हमारे प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी, हमारे राकेश सिन्हा जी यहाँ प्रवक्ता हैं, और जिनकी देख रेख में यहाँ पर हमारी ये जो डिजिटल मेंबरशिप हुई है अजय रब्बानी जी यहाँ पर मौजूद है। और मैं आप सबका, क्योंकि इसके पहले बहुत ज़्यादा आपसे यहाँ पर बातचीत करने का मौका नहीं मिला, शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने वहाँ करी थी प्रेस क्लब में, उसके बाद आज ही और लगभग पिछले 6 महीने से 7 महीने से झारखंड में हम लोग लगातार अपनी चुनावी टीम को लेकर जो दूसरे प्रदेशों से यहाँ आई थी उसके साथ यहाँ काम कर रहे थे। तो मैं सबसे पहले आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि हर 5 वर्ष में कांग्रेस के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि ब्लॉक से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक होते हैं, वो चुनाव की प्रक्रिया हर 5 साल में निर्धारित है। तो पिछले चुनाव की प्रक्रिया 2017 में हुई थी, जिसमें हर बार 5 साल में एक बार सदस्यता से वो शुरुआत होती है। सदस्यता होने के बाद फिर बूथ लेवल से और फिर ब्लॉक प्रखंड, यहाँ प्रखंड बोला जाता है, प्रखंड और फिर जिला स्तर और उसके बाद प्रदेश स्तर और फिर AICC स्तर के चुनाव की प्रक्रिया का एक पूरा कार्यक्रम होता है। तो यहाँ 2 नवंबर 2021 से सदस्य अभियान की शुरुआत हुई झारखंड में। एक अच्छी बात ये रही कि जो कांग्रेस पार्टी अब तक परंपरागत तरीके से जो सदस्यता करती आती थी वो होती थी किताबों में, जो हम जिसको ऑफलाइन मेंबरशिप कहते हैं, तो वो इस बार उसमें एक और परिवर्तन हुआ कि किताबों की जो सदस्यता है, जो ऑफलाइन सदस्यता है, वो तो जारी रही, पर उसके साथ साथ क्योंकि हम आधुनिक युग में हैं और कांग्रेस की देन है कि आज हम सब कुछ डिजिटल और इतना सब आप देख रहे हैं, ये राजीव गांधी जी का सपना था, तो कांग्रेस पार्टी ने डिजिटल मेंबरशिप की भी शुरुआत पूरे देश में शुरुआत करी। अलग बात है कि कनेक्टिविटी गाँव में कहीं कहीं कम ज़्यादा होने की वजह से आज भी वो होता ही है थोड़ा, तो वो मेंबरशिप कम ज़्यादा हो सकती है, पर हमें फिर भी खुशी है। जब पिछली बार सदस्यता हुई थी 2017 में तो कुल मिलाकर 4,62,396 ये टोटल सदस्यता थी जो किताबों के माध्यम से पूरे यहाँ के जो प्रखंड स्तर पर जो हुई, बूथ स्तर पर जो सदस्यता हुई। और इस बार जब सदस्यता का अभियान शुरू हुआ यहाँ पर, राजेश जी अध्यक्ष हैं आपकी अध्यक्षता में और पूरी टीम जो प्रदेश की यहाँ थी उनके देख रेख में जब यहाँ शुरू हुई, और जनवरी से हम चुनाव की जो हमारी टीम है दिल्ली से वो भी यहाँ पर आई। देखिए अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि मिस कॉल वाले हैं, अब आप हमारा मुकाबला जो अपने जेब से 5 रुपये देकर पर्ची भरकर और जो डिजिटल मेंबरशिप है, इतनी फुल प्रूफ मेंबरशिप थी कि आप व्यक्तिगत जब तक किसी के घर जाकर किसी की खुद, मतलब एक होता ना किसी की फ़ोटो रख के फ़ोटो खींच ली, इसमें वो भी संभव नहीं था, आपको लाइव फ़ोटो लेना चाहिए। ये जो सदस्यता हुई है, ये 8,47,000 जो सदस्य हैं, इनका मुकाबला आप BJP के 24 लाख मिस्ड, जो मिसी हो चुके जिनका आता पता नहीं है, उनसे करवाओगे तो ये तो न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात कि मैंने ये आंकड़ा आपको 15 अप्रैल तक, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में कट ऑफ होता है, वो तब तक का दिया है, 15 अप्रैल के बाद अभी तक वो मेंबरशिप चल रही है। BJP का नहीं पता वो कितने दिन से कितने दिन तक था, कितने लोग उसमें अब जी रहे हैं, कितने लोग छोड़ के चले गए, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, पर हमारी मेंबरशिप अभी और 15 अप्रैल के बाद भी बढ़ रही रहा था, ठीक है, जो कि इस चुनावी प्रक्रिया में इस समय भाग नहीं लेंगे, इसलिए हमने उस आंकड़े को इसमें नहीं लिया, तो वो आंकड़ा भी कई गुना बढ़ेगा ना। अभी आप इस वर्ष के अंत में जाएंगे तो आपको बिल्कुल उससे कई गुना ज़्यादा दिखाई देगा।
तो आपने साफ तौर पर सुना कि हर जिले में कमेटी का भी गठन होगा। आपको बता दें पिछले 4 सालों से कमेटी का गठन नहीं हुआ था, जो राजेश ठाकुर ने भी कहा कि 15 अगस्त के पहले तक कमेटी का गठन हो जाएगा और फेयर चुनाव होंगे और सब एक एक आम इंसान को भी कांग्रेस से जुड़ने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी पहल रहेगी, जितने लोग भी चाहते हैं बहुत डिजिटली वो जुड़ सकते हैं। 5 रुपये का मात्र शुल्क लगेगा, जो बहुत कम है, और उसमें इतने बड़े पार्टी का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा सर अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।